हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबली और स्वागत करती हूँ मेरा ये यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आज है ट्यूसडे, आज भेज तो इस महीना खैर पूरा बनेगा ही, क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है और शायद मैक्सिमम लोग सावन करते हैं। मैं तो पहले नहीं करती थी, लेकिन पिछले साल से स्टार्ट की हूँ कि सावन का महीना नॉनवेज ना खाऊं, और ट्राई करूँगी कि आगे भी ऐसा करूँ, क्योंकि इसी बहाने से ही भगवान जी के नाम से ही एक महीना ब्रेक हो जाता है नॉनवेज खाना। नॉनवेज खाना तो अच्छा नहीं है, फिर भी क्या करें, बचपन से खाए हैं तो इच्छा भी होता है अभी। तो बस अभी सावन का महीना चल रहा है तो सोचे कि भेज ही डालूं, क्योंकि भेज जो घर पे बनेगा वो ही मैं दिखाऊंगी आपको। और इस पर मैं एक नया आइटम आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। शायद आप लोगों को पता कि कुछ लोगों को तो पता होगा और कुछ लोगों को भी नहीं भी पता होगा। और वो है, हम लोग उसको काकरोल बोलते हैं। वो जो ऊपर का ग्रीन कलर का थोड़ा गोल गोल साइज़ का होता है और ऊपर का थोड़ा कांटा कांटा टाइप का होता है, वो वाला वेजिटेबल के बारे में बोल रही हूँ। और उसको वो बारिश के टाइम में ही मिलता है। अभी इस साल तो इधर बहुत अच्छा बारिश हुआ है, जून के महीना से स्टार्ट हो गया है बारिश बहुत। अभी भी बारिश हो रहा है बाहर, तो वो वाला वेजिटेबल बारिश के टाइम में है मिलता है और बहुत अच्छा भी लगता है। जैसे भी खाली प्लेन फ्राई कर दो दाल के साथ अच्छा लगता है। अभी मैं आप लोगों के साथ मेरा जो लंच रूटीन है वो शेयर करूँगी। एक्चुअली आज मैं मेरा लंच का रूटीन आप लोगों के साथ पूरा शेयर करने वाली थी, लेकिन मेरा किचन में लाइट का आज बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, धप 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 हो रहा है लाइट। तो मैं ये वाला जो उसका स्टफ्ड वो फ्राई है, उसका मैं पहले 3-4 बार बना चुकी हूँ, उसका एक वीडियो बना के रखी थी। तो आज का लंच रूटीन के साथ वो वाला रेसिपी मैं ऐड करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। इस साल स्कूल भी नहीं है तो बच्चे भी बिगड़ गए हैं थोड़ा सा, क्या करेंगे, हम लोग बड़े बड़े हैं, इतना बोर हो रहे हैं और बच्चों को तो, इन लोगों को तो खेलना कूदना पूरा बंद एक टाइप का। और ऑनलाइन में थोड़ा 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 बहुत इन लोगों को दे रहे हैं एक्टिविटी, पढ़ाई वही थोड़ा बहुत घर पे कर रहे हैं, बाकी दिन भर बदमाशी। अभी हम लोग का जैसे जो हाउसवाइफ है उनका ही ज़्यादा काम बढ़ गया है, क्या करेंगे, अभी मैनेज करना पड़ेगा। कोरोना चल रहा है तो सबको ही करना पड़ रहा है। तो ठीक है, दिखाती हूँ आपको वो वाला रेसिपी। और मेरा वो वाला रेसिपी एक्चुअली वो पहले से बना के रखी थी, और आज का लंच रूटीन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलिए दिखाती हूँ। थोड़ा किचन का लाइट का प्रॉब्लम है, बार बार ऐसे हो रहा है, ऑफ जा रहा है। तो बना रही हूँ सांभर, बस तेल में थोड़ा 1 चम्मच सरसों और थोड़ा सा मेथी और 2 सूखा मिर्च को दे के तड़का लगाई हूँ, और 1 प्याज और भिंडी को ऐसे फ्राई की हूँ। बस इसमें और थोड़ा लहसुन हम ऐड करेंगे, और पहले से ही मैं दाल और उसमें लौकी, थोड़ा सा मूली और कद्दू थोड़ा सा और नमक हल्दी दे के उसको बॉईल कर दी हूँ। थोड़ा सा लहसुन डाल दी उसके, एक 2 टमाटो काट के डाल दी, कोई इमली का रस भी आप इसमें पूरा ऐड कर सकते हो। मैं ज़्यादा इमली का रस नहीं पसंद है, थोड़ा सा ही डालूंगी बाकी टमाटो का। देखिए ये हो गया है, इसमें धीरे धीरे करके बॉइल्ड वाला जो दाल और सब्जी उसको डालूंगी।
कढ़ाई छोटा पड़ गया था इसीलिए मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दी। और इसमें हम ऐड करेंगे सांभर पाउडर, मैं इधर एक बड़े स्पून डाल रही हूँ, इसको हल्का सा मिक्स कर देंगे। एंड इसमें हम ऐड करेंगे जो इमली का पानी, आपको जितना खट्टा पसंद है उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। बस ऐसे ही ओवरऑल ही मैं थोड़ा थोड़ा दिखा दिया आपको, और किसी दिन इसका अच्छे से रेसिपी बना के वीडियो बना के मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इधर देखिए ये वाला स्टफ्ड कांसी इधर बोलते हैं, तो वो रेडी हो गया है। देखिए कितना सुंदर कलर है। एक दिन ये वाला मैं स्टफ्ड वाला रेसिपी उसको वीडियो की थी, उसका ही मैं रेसिपी इसका मैं शेयर करूँगी आपके साथ, क्योंकि वो वाला मैं अच्छे से दिखाई थी। आज थोड़ा टाइम हो गया है, जल्दी जल्दी मैं खाना बनाना था तो नहीं हो पाया। देखिए कितना सुंदर कलर आ गया है इसका। तो बस आज का ऐसा ही है लंच। फ्रेंड्स बन गया है हमारा लंच, अब ये खा के चले गए, ऑफिस था, वी शिफ्ट था, तो अभी हम माँ बेटे खाएंगे। कल का कुछ सब्जी था और आज का उसको ही खा लेंगे माँ बेटे। टाइम भी हो गया है, अभी टाइम है 1:30 बजा है, 1:30 हुआ है, तो अभी लेट नहीं करेंगे, अभी खाना खा लेंगे। तो दिखाती हूँ आज लंच में क्या क्या है। फ्रेंड्स आज ये है एक वही जिस स्टफ्ड बनाई थी उसका ही, और आलू का एक सब्जी है रात में बनाई थी, और ये है सांभर, ये चावल, और ये स्टफ्ड थैंक्सी या कुछ बोलते हैं, मैं पूछ के बोलूँगी। एक्चुअली ओडिया में इसको कांकड़ बोलते हैं, मैं कभी मुझे पता नहीं इसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, मैं देख के बोलूँगी आपको। और ये खीरा और मैंगो। बस अब हम खाना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फिर बहुत अच्छा बना है फ्रेंड, इसको मैं 3-4 बार बना चुकी हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। सिंपल तुअर का दाल के साथ आप बनाओ, चावल के साथ ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये सूखा फ्राई है तो बहुत ही अच्छा लगता है। एक नया रेसिपी आप ट्राई कर सकते हो, ये सीजनल वेजिटेबल है तो अभी इसी टाइम में ही, बारिश के टाइम में ही मिलता है, तो आप अभी अगर मिलता है तो मार्केट में आप ला के ये वाला ट्राई करना, बहुत ही अच्छा लगता है। और प्लीज़ कमेंट करके बोलिएगा कैसा बना है। तो जल्दी जल्दी मैं खा लेती हूँ और बाकी मिलते हैं खाने के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स ये वाला सब्जी को बोलते हैं कंटोला, तो इसको मैं देखिए ऊपर से थोड़ा थोड़ा कांटा कांटा टाइप का था उसको छील दी हूँ। अभी इसको बीच में से ऐसे लंबा करके काट देंगे। देखिए इसी तरह से सारे सब्जी को ऐसे ही बीच में से काट दी। अभी इसको स्टफिंग करना है, तो इसको फर्स्ट हमें कढ़ाई में मैं थोड़ा सा पानी ले ली हूँ। अभी इसमें हम थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी देके पानी को थोड़ा सा बॉईल करेंगे। जब पानी गरम उबल आ गया है देखिए, तो इसमें हम जो सब्जी है उसको डाल के
हाँ बॉईल कर लेंगे 4-5 मिनट के लिए, इसको हाई फ्लेम में ही थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे। ताकि अंदर का जो सीड है उसको हम आसानी से निकाल पाए। देखिए 5 मिनट्स हो गया है और ये अच्छी तरह से हाफ बॉईल हो गया है। अभी इतना बॉईल ही चाहिए, ज़्यादा बॉईल नहीं करना है इसको। अभी इसको मैं छन्नी से निकाल दूँगी। और ये वाला पानी बहुत ही अच्छा है, हेल्दी भी है ये वाला सब्जी। तो आप ये वाला पानी को ना वेस्ट करके आप दाल में भी यूज कर सकते हो। बस इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। देखिए ठंडा होने के बाद ऐसे ही उसको आप स्पून से ही इसका सीड्स निकाल सकते हो, वो ज़्यादा ईजी रहेगा। फास्ट में एक नाइफ़ ली थी लेकिन उतना ठीक से नहीं हुआ, तो मैं स्पून के मदद से सारा सीड्स इसका निकाल दी। एक मिक्सी के जार में ले ले लेंगे कि इसी तरह से सारा सब्जी का सीड्स निकाल देंगे। आराम से ही कीजिएगा। बहुत जल्दी बन जाता है ये वाला रेसिपी, क्योंकि आपको इसमें मसाला भूनना नहीं पड़ता है, जिस फ्राई होने में जो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, 15 से 15 मिनट। तो देखिए इसी तरह से मैं निकाल दी। अब इसमें हम यूज़ करेंगे लहसुन। तो इसमें मैं 6 से 7 कोला लहसुन ले ली और 2 हरी मिर्च, तीखा आप अपने हिसाब से लीजिएगा। और इसमें मैं 1/2 स्पून जीरा और 1 स्पून करीब सरसों दाना और थोड़ा सा ही नमक डाल देंगे और थोड़ा सा हल्दी। थोड़ा सा नमक हल्दी डाल देंगे और इसका एक फाइन सा पेस्ट बना देंगे। आप देख के ही थोड़ा सा पानी पानी आप 1 टेबल स्पून ही डालिएगा, क्योंकि हमें सूखा पीसना है इसको। देखिए एक फाइन सा पेस्ट रेडी हो गया है। अब इसमें हमें ऐड करना है सरसों का तेल, जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर लाता है। मिक्स कर देंगे। अब मैं एक प्लेट में ली हूँ कॉर्नफ्लोर, नहीं तो आप चावल का आटा भी यूज कर सकते हो। देखिए इसी तरह से इसमें हम स्टफिंग करेंगे। और अब इसको ऐसे ही कोट कर लेंगे, तो ऊपर का जो हमारा स्टफिंग है वो अच्छे से सेट हो जाएगा और बाहर निकलेगा नहीं, और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। देखिए कितना जल्दी रेडी हो गया है। अब इसको हमें फ्राई करना है, तो फ्राई करने के लिए मैं एक फ्राइंग पैन ली हूँ और इसमें हम ऐड कर देंगे 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल। सरसों का तेल ही ज़्यादा अच्छा रहता है, सब्जी बनाओ तो उसमें उसका एक अच्छा सा खुशबू आता है, वो और हेल्दी भी रहता है। देखिए गर्म हो गया था पैन, तो इसमें मैं ऐसे ही जो कॉर्नफ्लोर जिस तरफ आप लगाए हो उसको नीचे ही करना, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए और मसाला भी जो है वो अच्छे से पक जाए। तो हमें इसको 5 मिनट ऐसे ही फ्राई करना है, स्लो से मीडियम मीडियम फ्लेम में ही। अब इसको कवर नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी हाफ बॉयल है। अब जब तक हम इसको फ्राई करेंगे दोनों तरफ से और सब्जी भी अच्छे तरह से हो जाएगा, पक जाएगा, तो ज़्यादा बॉईल हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगता है। खुले में ही उसको फ्राई करना है। देखिए 5 मिनट्स हो गया है। अब इसको एक तरफ पलट देंगे। देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है और हमारा जो स्टफिंग है वो निकल भी नहीं रहा है, अच्छी तरह से सेट हो गया है। इसलिए उसको फर्स्ट नीचे करके ही फ्राई कीजिएगा। आप ट्राई करना, बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी है, दाल चावल के साथ बहुत ही अच्छा लगता है।
देखिए इसको और 5 मिनट के बाद उसको फिर से और एक बार ऐसे ही पलट देंगे ताकि और थोड़ा सा क्रिस्पी बन जाए। बस 15 मिनट ही लेता है, 5-5 मिनट में बस फिर हमारा जो स्टफ्ड कंटोला रेडी हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा सा कलर भी आ गया और क्रिस्पी भी रेडी हो गया है हमारा स्टफ्ड कंटोला। पक्का ट्राई कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना, लाइक करना ना भूलिएगा। अगर अभी तक आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टे सेफ, स्टे ट्यून, थैंक यू।